हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर और आप देख रहे हैं अनुपम इंग्लिश चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से फोटोग्राफ पोम के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम? व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? इस पोएम में कार्डबोर्ड वर्ड का यूज क्यों किया गया है? इन द पोएम द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स अ फ्रेम विच सपोर्ट द फोटोग्राफ। इस पोएम में कार्डबोर्ड वर्ड का मीन्स एक फोटोग्राफ के फ्रेम से है, एक फोटोग्राफ का फ्रेम जो कि फोटोग्राफ को सपोर्ट करता है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन द पोएम बिकॉज द पिक्चर इज वेरी ओल्ड। यह वर्ड पोम में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो पिक्चर दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, पुराने समय की है। व्हेन द कार्डबोर्ड वॉज यूज्ड एज अ फोटोग्राफ फ्रेम, तो आजकल तो ग्लास के फोटोग्राफ, प्लास्टिक के ग्लास के भी फोटोग्राफ चल रहे हैं, लेकिन पहले की बहुत पास टाइम की बात हो रही है जब फोटो को सेफ रखने के लिए कार्डबोर्ड पर चिपका दिया जाता था। नाउ सेकेंड वन इज What has camera captured? कैमरा क्या कैप्चर कर रहा है? तो the camera has the poet's mother and her two cousins Betty and Dolly on the beach. जो कैमरा कैप्चर कर रहा है, किसकी फ़ोटो खींच रहा है? जो पोएटेस हैं उनकी मदर की, जो कि अपनी दो कज़न सिस्टर बैटी और डॉली के साथ सी बीच पर घूमने गई हैं। द पोएट्स मदर इन द मिडिल एंड टू कज़न ऑन आइदर साइड होल्डिंग हर हैंड्स एंड वॉकिंग विद द बेयर फीट इन द सी वाटर। जो पोएटेस की मदर है वो तीनों के बीच में खड़ी हुई हैं, अपने एक साइड एक कज़न है और दूसरी साइड उनकी दूसरी कज़न है, वो बीच में हैं और वो तीनों में से बड़ी हैं और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो नंगे पैर बेयर फीट यानी कि नंगे पैर सी वाटर पर घूमने गए हैं। नाउ थर्ड वन इज व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? बहुत सालों के बाद भी क्या चीज़ चेंज नहीं हुई है, यह आपको क्या सजेस्ट करता है? द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर, बहुत साल तक भी सी चेंज नहीं हुआ है। इट वेव्स आर एज फ्रेश एज दे वर ईयर्स अगो, तो इसकी वेव्स उतनी ही फ्रेश हैं, यानी कि कहने की ये मतलब है कि जैसे पहले थी वैसी ही आज भी हैं। इट सजेस्टेड, यह हमें यह बताता है कि ह्यूमन लाइफ इज़ टेरिबली ट्रांजिएंट, यानी कि ह्यूमन लाइफ क्या है, चेंजेबल है। टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्परेरी, बट द सी हैज़ ऑलवेज रिमेंड द सेम, लेकिन सी कभी भी चेंज नहीं हुआ है और वैसा का वैसा ही है जैसे बहुत साल पहले था। नाउ फोर्थ वन इज द पोएट्स मदर लाफ एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? पोएट्स की जो मदर थी वो फोटो को देख के हंसी थी, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वो फोटो को देख के हंसी थी बिकॉज शी कुड रिकॉल हर पास्ट एंड ओल्ड मेमोरीज, क्योंकि उनको पुराने टाइम की मेमोरीज याद आ गई थी। हर लाफ इंडिकेट हर पास्ट लाइफ व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग एंड फ्री फ्रॉम टेंशंस एंड वरीज ऑफ लाइफ। उनकी जो लाफ्टर थी, उनकी जो हंसी थी, उनके पास्ट की लाइफ को इंडिकेट करती हैं, जब पोएटेस की मदर यंग थी एंड फ्री फ्रॉम टेंशन, क्योंकि जब हम यंग होते हैं या चाइल्डहुड एज में होते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन्स नहीं होती, कोई चिंता लाइफ की नहीं होती। नाउ फिफ्थ वन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय विद द लेबर इज ऑफ लॉस? इस पोम में इन लाइन की मीनिंग क्या है? दिस लाइन डिस्क्राइब द डिसअपॉइंट ऑफ द पोएट एंड हर मदर। यह लाइन पोएट और उसकी मदर दोनों का ही डिसअपॉइंट, दोनों को ही डिसअपॉइंट शो कर रही हैं, दोनों ही परेशान हैं। बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर पास्ट, क्योंकि दोनों ने ही अपना पास्ट खो दिया है। मदर हैव लॉस्ट हर चाइल्डहुड मेमोरी, जो मदर हैं उन्होंने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को खो दिया है, जब वो बीच पे घूमने गई थी वो मेमोरी उन्होंने खो दी है। एंड द
पोइटेस हैव लॉस्ट हर मदर, और अब पोइटेस ने अपनी मदर को खो दिया है, तो इसलिए वो दोनों ही क्या हैं, वरी हैं, टेंशन्स में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू। दिस सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस की मीनिंग स्टूडेंट्स परिस्थितियां होती है या घटना, इवेंट्स। द सर्कमस्टांस रेफर्स टू द डेथ ऑफ पोइट्स मदर, तो यह कौन सी परिस्थिति को दिखा रही है ये लाइन, जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी। सर्कमस्टांस की मीनिंग पोइटेस की मदर की डेथ को रेफर कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री स्टेंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेसेस, व्हाट आर दे। पूरी पोएम में तीन ही स्टेंजा हैं और वो किसको डिपिक्ट कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। द फर्स्ट स्टेंजा डिपिक्ट्स हर मदर चाइल्डहुड व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। फर्स्ट स्टेंजा में पोइटेस की मदर के चाइल्डहुड फेस का वर्णन है जिसमें वो 12 ईयर्स की थी। इट टॉक्स अबाउट अ फोटोग्राफ ऑफ हर टू कज़न ऑन अ बीच हॉलीडे, और जब वो अपनी दो कज़न के साथ बीच हॉलीडे पर घूमने गई थी। द सेकेंड स्टेंजा डिपिक्स द पोएट टॉक्स अबाउट हर चाइल्डहुड डेज व्हेन हर मदर यूज टू लुक एट द फोटोग्राफ। फर्स्ट फेज में क्या था, उसकी मदर का चाइल्डहुड था। सेकेंड फेज में पोइटेस का चाइल्डहुड है, जिस समय पोइटेस की मदर ने पोइटेस को वो फोटोग्राफ शो किया था जब वो बीच पे घूमने गए थे। नाउ थर्ड स्टेंजा डिपिक्स द पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर, और थर्ड स्टेंजा जब पोइटेस की मदर के डेथ के बाद का है, जब पोइटेस जो हैं वो बहुत ही सॉरी फील करती हैं और अपनी मोम को याद करती हैं। द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द लाइन, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। जो सी हॉलीडे था वो मेरी मदर का पास्ट था, और अब मेरा पास्ट क्या है, मेरी मदर की हंसी। इस लाइन को डिस्क्राइब करना है। द पोएट कंपेयर्स द सी हॉलीडे ऑफ हर मदर विद हर मदर्स लाफ्टर। द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट, द मदर्स लाफ्टर वॉज द पोएट्स पास्ट। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इट्स साइलेंस साइलेंसेस। यह लाइन पोएम की लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन है, जब पोएट अपनी मदर को याद कर उनकी मेमोरी को याद करती हैं और उसके बाद कहती हैं द लॉस ऑफ हर मदर इज टू डीप फॉर द पोएट, कि मदर को खोना पोएट के लिए बहुत ही गहरा सदमा है। नाउ शी हैज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। द साइलेंस ऑफ हर सिचुएशन है साइलेंस्ड हर, जो साइलेंस है वो उनकी स्थिति को और भी साइलेंस कर देता है। इट इज अ डेथ लाइक साइलेंस, यह डेथ का साइलेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब होता है चेंजेबल। चेंजेबल किसको बताया गया है, ह्यूमन लाइफ को, तो ह्यूमन लाइफ चेंजेबल है। यहाँ फीट को ह्यूमन लाइन से कंपैरिजन किया गया है। दिस लाइन डिस्क्राइब दैट द सी रिमेन्स फॉर एवर ऑलमोस्ट द सेम, यह लाइन दिखाती है, वर्णित करती है कि सी हमेशा सेम ही रहता है। ह्यूमन beings change very fast in their physical appearance, और जो human beings हैं वो समय के साथ साथ change होते रहते हैं। यहाँ आपके सभी important question answer complete होते हैं। I hope आपको video पसंद आई होगी। video पसंद आई हो अपने friend के साथ share जरूर करना, और channel पे नए हो तो please subscribe करना। Thanks for watching, bye।